मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के 70वें बैच के पासिंग आउट परेड की सलामी ली। उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले प्रोबेशनर्स में अवार्ड भी तकसीम किए। जुमला 103 ऑफिसर्स इस साल कामयाब हुए हैं, उनमें 15 खातून पुलिस अधिकार भी शामिल हैं, जबकि रॉयल भूटान पुलिस के 6 और नेपाल पुलिस सर्विस से 5 अहदेदार हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो कौम की खिदमत के जज्बे के साथ पुलिस में भर्ती हों। उन्होंने मुल्क के पहले वज़ीर दाखला सरदार पटेल को ज़बरदस्त खराज खिदमत अदा किया, जिन्होंने 600 रजवाड़ों को हिंदुस्तान में जम किया। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत बाकी रह गई थी जिसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत ने उसे भी अपने मुल्क और यूनियन में शामिल कर दिया है। उन्होंने प्रोबेशनर से कहा कि वो मुल्क को करप्शन से पाक बनाने के लिए काम करें और हिंदुस्तान को दाखिली और बैरूनी खतरात से महफूज रखें। वज़ीर दाखला ने कामयाब उम्मीदवारों पर जोर दिया कि आवाम की उम्मीदों और तवक्कात को पूरा करें, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब वो संपर्क, संवाद और संवेग के उसूलों पर काम करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने खुद अपनी मिसाल पेश की और बताया कि किस तरह वो अपनी सियासी करियर में कामयाबी हासिल की है। वज़ीर दाखला ने कहा कि सियासतदान 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन जिंदगी भर मुल्क की खिदमत के लिए चुने जाते हैं। उन्होंने बिला खौफ व खतर आवाम की भलाई के हक में फैसले लेने और दस्तूर की पाबंदी करने की जरूरत पर भी जोर दिया। इस तकरीब में रियासती गवर्नर ESN नरसिम्हन और मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखला जी किशन रेड्डी, सीनियर पुलिस अहदेदार और कामयाब अहदेदारों के अरकान खानदान भी मौजूद थे। वजीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने आज एयरटेल हैदराबाद की जानिब से मुनज़्ज़म करदा मैराथन का अफ्तिताह किया। चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज व IT जयेश रंजन ने खैर मकदम किया। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर्स N. मुरली, एयरटेल के CEO अवनीत और दूसरे भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने SVIT कॉलेज पैटनी सिकंदराबाद में बेरोजगार नौजवानों के लिए एक जॉब मेले का अफ्तिताह किया। 60 से ज्यादा मुख्तलिफ कंपनियां 8,000 मुलाजिमतों की पेशकश के साथ इसमें शिरकत कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस नारजोन S. कमलेश्वर ने खैर मकदम किया। इंस्पेक्टर पुलिस कारखाना मधुकर स्वामी ने इस जॉब मेले का एहतमाम किया था। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी नहायत ही वाजबी दाम पर दस्तियाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तियाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बेसाइड रियान होटल हैदराबाद, डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954। टॉप सेलेक्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। शहर की खदी मादनापेट मंडी हालिया मानसून के बाद एक झील में तब्दील हो गई है। हर तरफ पानी जमा हो गया है तो दूसरी तरफ कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ा है। बल्दिया का अमला साफ सफाई के मामले में गफलत बरत रहा है। मुतअद्दिद बार नुमाइंदगी के बावजूद इस मंडी का कोई पुरसान हाल नहीं है।
यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि मदनापेट मंडी में जिले रंगारेड्डी के मुख्तलिफ गाँव के काश्तकार तरकारी अपनी पैदावार लेकर आते हैं। जिजम सिंह को इस जानी फौरी तवज्जो देनी चाहिए। विकाराबाद के असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट पुलिस भास्कर ने जिले में आवाम को कानून से बाशऊर करवाते हुए कहा कि पुलिस और कानून मजलूम की मदद करता है और कानून की पाबंदी करने वालों का साथ देता है। उन्होंने एक प्रोग्राम में आवाम को नए विकास कानून से भी वाकिफ करवाया। उन्होंने देही इलाकों में CCTV कैमरों की तंसीब की जरूरत पर भी जोर दिया। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश YS जगनमोहन रेड्डी अमेरिका के दौरे से वापिस हो गए। आला अधिकारियों ने उनका गन्नावरम एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। आंध्र प्रदेश असेंबली के अधिकारियों ने गुंटूर में मोटर बाइक के एक शोरूम की तलाशी ली, जो कि साबिक स्पीकर कोटेला शिव प्रसाद के खानदान की मिल्कत बताई जाती है। साबिक स्पीकर असेंबली पर अपने दफ्तर से 32 कुर्सियां, 6 सोफे, 3 टेबल व चुरा लेने का इल्जाम है। असेंबली का अमला शिवा प्रसाद की सत्तुनपल्ली में वाक उनकी रिहायशगाह पर भी तलाशी ले रही है। साबिक स्पीकर ने इतराफ किया कि उन्होंने अपने चैम्बर से फर्नीचर अपने शोरूम और घर को मुंतकिल किया था। भगवान देवी हॉस्पिटल डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए, तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, ऑपरेशंस फैसिलिटी एंड फार्मेसी। जूही क्लिनिक, थर्ड फ्लोर अबव रिलायंस ट्रेंड्स, बिसाइड डी मार्ट, टोली चौकी, शेखपेट, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली का आज दोपहर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में देहांत हो गया। वो 66 बरस के थे। उन्हें 9 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर दवाखाने में भर्ती करवाया गया था और सीनियर डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत पर नजर रखे हुए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में वजीर फाइनेंस जैसी अहम जिम्मेदारी संभालने वाले अरुण जेटली पेशे के एतबार से एक वकील थे। उन्होंने वजारत दिफा का खलंदान भी संभाला था और हुकूमत की मुश्किलात को टालने के माहिर समझे जाते थे। उनकी आखिरी रसूमात कल दिल्ली के निगम बुद्ध घाट पर अदा की जाएंगी। उनके देहांत की इत्तला मिलते ही मरकजी वजरा स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी सबसे पहले एम्स पहुंच गए। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि गुज़श्ता साल मई में अरुण जेटली के गुर्दों की तब्दीली का ऑपरेशन भी हुआ था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वजरा निर्मला सीतारामन, अमित शाह, राजनाथ सिंह और दूसरों ने अरुण जेटली के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है। हुकूमत हरियाणा ने अरुण जेटली के देहांत पर 2 रोज के शोक का ऐलान किया है। मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नरों, चीफ मिनिस्टरों ने भी ताज़ेती पैमा जारी किए हैं। अरुण जेटली का 28 दिसंबर 1952 को दिल्ली में जन्म हुआ था। उनके पसमानदागान में एक बेवा के अलावा एक लड़का और एक लड़की भी शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर हैं, अपने साबिक काबिने रफीक अरुण जेटली के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अरुण जेटली से उनके ताल्लुकात गैर मामूली थे। वो एक करिश्माती शख्सियत थे। उनका हुस्न ज़राफ़त भी नाकाबिले बयान था।
समाज के हर तबके में वो मकबूल भी थे। हिंदुस्तानी दस्तूर तारीख अवामी पॉलिसियों हुकुमरानी और नज़्म व नस्क का काफ़ी अदराक और तजुर्बा रखते थे। वज़ीर आज़म ने अरुण जेटली की बीवी संगीता और बेटे रोहन से फ़ोन पर बातचीत करते हुए शख्सी तौर पर ताज़ियत का इज़हार किया। संगीता और रोहन ने वज़ीर आज़म से ख्वाहिश की कि वो अपना सफ़र मनखता ना करें। बीजेपी के सदर और मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह ने साबिक मरकजी वज़ीर अरुण जेटली के देहांत को अपना शख्सी नुकसान करार दिया। उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया कि वो पार्टी के एक सीनियर रुकन ही नहीं बल्कि उनके खानदान के एक फर्द की हैसियत रखते थे। नए सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने अपने देरीना रफीक और बीजेपी के सीनियर लीडर साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली एक अजीम पार्लियामेंटेरियन थे, अपोजिशन लीडर, मरकजी वजीर के हिस्से से उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है वो नाकाबिले फरामोश है। उनके देहांत से मुल्क को जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी मुश्किल से ही हो सकती है। मुत्तहिदा अरब इमारात में आज से रूपी कार्ड जारी कर दिया गया, जिससे गल्फ में रहने वाले हिंदुस्तानियों को अपने कारोबार और लेन देन में इसके इस्तेमाल का मौका मिलेगा। वज़ीर नरेंद्र मोदी ने जो अबू धाबी के दौरे पर हैं हिंदुस्तानी मिठाई खरीदते हुए इसका रस्मी इफ्तिताह किया। मुत्तहिदा अरब इमारात के ज़ायदस 21 ग्रुप कंपनियों और इदारों ने इसे कबूल करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिनमें लुलु ग्रुप और अराना ग्रुप वगैरह भी शामिल हैं। रूपी कार्ड के इस्तेमाल से हिंदुस्तानी और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तजारत में इजाफे की उम्मीद लगाई जा रही है। हर साल 30 लाख हिंदुस्तानी मुत्तहिदा अरब इमारात की सियाहत के लिए आते हैं और रूपी कार्ड के इस्तेमाल से यहाँ के लोगों के कारोबार में इजाफा भी होगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मर्क्यूरी पेमेंट सर्विस के तावन से मुत्तहिदा अरब इमारात की 1,50,000 दुकानों पर कबूल किया जाएगा। नीज 5,000 से ज्यादा ATM से रुकूमात निकालने की भी सहूलत हासिल होगी। रियासती बीजेपी ने साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है और कहा कि उनकी मौत से जो खुला पैदा हुआ है उसका पूर्ण होना नामुमकिन है। बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी उनकी खिदमत को फरामोश नहीं कर सकती, वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी अपनी एक आवाज रखते थे। उन्होंने तेलंगाना को अलहदा रियासत बनाने की तायद की और 2014 में राज्यसभा में आंध्र प्रदेश की तकसीम के कानून को मंजूर करवाने में अहम रोल अदा किया था। खम्भम का एक 24 साल नौजवान सन्ने अलवाल श्रीहर्षा लंदन में लापता हो गया। खम्भम जिले में बीजेपी के सदर सन्ने उदय प्रताप का लड़का श्रीहर्षा MS की तालीम हासिल करने के लिए 2 साल कबल लंदन गया हुआ था। उसके कॉलेज के काम ने वालिदिन को कल रात फोन पर उसके गुम जाने की इत्तला दी। लंदन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। इसी दौरान मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखला जी किशन रेड्डी ने उदय प्रताप से फोन पर बातचीत करते हुए उनके बेटे के तलाश में हर मुमकिन मदद करने का तयकुन दिया और फिर मरकजी वजारत खारजा के अहदेदारों से रबता करते हुए ज़रूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। खम्भम के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वरा ने भी बीजेपी लीडर उदय प्रताप से हमदर्दी का इजहार किया और इस बात और अपनी जानिब से भरपूर मदद करने का यकीन दिलाया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और गवर्नर ESL नरसिम्हन ने साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली के देहांत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने अपने प्याम में अरुण जेटली की खिदमात को याद करते हुए पसमानदगान से ताज़ियत का इजहार किया। गवर्नर ने कहा कि अरुण जेटली की मौत से मुल्क एक हद्दयावर शख्सियत से महरूम हो गया है। वो ऐसे नौजवानों के लिए एक मिसाल रखते हैं जो अखलाक पर मुबनी सियासत पर यकीन रखते हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी, TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव, साबिक वजीर TH राव, वजीर ज़िरात निरंजन रेड्डी, वजीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़, वजीर जंगलात इंदिरा कन्नर रेड्डी, नगर कन्नूल के रुकन पार्लियामेंट रामलू और राज्यसभा के रुकन सज्जन चौधरी ने भी इजहार ताज़ियत करते हुए अपने पैगाम जारी किए। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह जो नेशनल पुलिस अकेडमी की तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद आए हुए थे, साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली के देहांत की खबर सुनकर अपना दौरा हैदराबाद मुख्तसर कर दिया और फौरी दिल्ली वापस हो गए। नए सदर जमहूरिया M. वेंकैया नायडू भी जो चेन्नई में थे अपने आबाई जिले नेल्लूर जाने वाले थे।
लेकिन उन्होंने चेन्नई से ही अपना दौरा मुख्तसर करके राजधानी वापस हो गए। साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली के देहांत पर कई मरकजी वजरा ने अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि जेटली की मौत से मुल्क का एक बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी तलाफी नामुमकिन है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि अरुण जेटली बीजेपी के बानियों में से एक थे। उन्होंने एबीवीपी से अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया था। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के सदर भी रह चुके हैं। बीजेपी के कांग्रेस सदर जेपी नड्डा ने कहा कि अरुण जेटली ने जयप्रकाश नारायण की तहरीक से मुतासर होकर इमरजेंसी की मुखालिफत में रैली भी निकाली थी जिसके सबब उन्हें जेल भी जाना पड़ा। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने राज्यसभा में अपोजिशन लीडर की हैसियत से अरुण जेटली की खिदमत का तस्करा किया। जिन दीगर कायदीन ने भी अपने एहसास का इजहार किया उनमें मरकजी वजरा रविशंकर प्रसाद, जितेंद्र प्रसाद, धर्मेंद्र प्रसाद, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और साबिक चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज चौहान वगैरह शामिल हैं। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली के देहांत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया और कहा कि मुल्क एक अजीम लीडर से महरूम हो गया है जिसने अपनी सारी जिंदगी समाजी बेहतरी और तरक्की के लिए सर्फ कर दी हो। वाजह रहे कि अरुण जेटली का आज दोपहर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में देहांत हो गया। वो 66 बरस के थे। राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो कश्मीर की सूरतहाल से मुतालिक मुतजाद इत्तलात फराहम कर रही है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हुकूमत कहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हैं, तो फिर अपोजिशन लीडरों को कश्मीर का दौरा करने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती। उन्होंने सवाल किया कि साबिक चीफ मिनिस्टर्स उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को क्यों घरों पर नजरबंद रखा गया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हुकूमत उन्हें भी अपने घर को जाने की इजाजत नहीं दे रही है और बताया कि हम जिम्मेदार अपोजिशन हैं और हालात को किस तरह मुकद्दर होने देते। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो कल रात मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर अबूधाबी पहुंचे थे आज वलीयत मोहम्मद बिन जायद अल नहान से अबूधाबी के सदारती महल में मुलाकात की। दोनों ने अपने ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मुस्तकम बनाने और तजारत को फरोग देने का फैसला किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस मौके पर मुत्तहिदा अरब इमारात का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद पेश किया गया। वजीर आजम ने खलीज टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि ये अवार्ड वो हिंदुस्तान के 130 करोड़ आवाम के नाम मानून करते हैं और ये अवार्ड की पेशकशगी पर हुकूमत मुत्तहिदा अरब इमारात के ममनून है। वजीर आजम और वलीयत ने महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश के साल की मुनासिबत से एक यादगार स्टाम्प भी जारी किया। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड माजी में कई कायदीन को दिया जा चुका है, उनमें रूस के सदर पुतिन, मलिका एलिजाबेथ और चीनी सदर शामिल हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने बताया कि हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात आजकल के नहीं हैं बल्कि ज़माने कदीम से हैं और इनमें अब मजीद मजबूती आई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खलीजी हुक्मरान की मेहमान नवाजी की सिताइश भी की। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात हिंदुस्तानियों का दूसरा वतन भी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।